इतना खुश क्या है बे? वहां आपका नाम रोशन कर दिया क्या? यार बहुत बड़े झमेले से बाहर निकला हूँ। क्या हुआ, घर छोड़ दिया क्या? ओह नो। ठीक है, घर छोड़ेगा, एक दिन घरवाले से छोड़ेंगे। यार मुन्ना मिश्रा से 3000 रुपए उधार लिए थे, कई दिनों से धमकी दे रहा था, आज नोटों से भरा लिफाफा उसके मुंह पे मार के आया हूँ। पैसे तेरे सामने चेक किए थे? कर लेगा आराम से चेक, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो उसे कम नोट दे के आऊंगा? चल अब तेरा रास्ता नहीं रोकेगा वो, ना ही कूटने की धमकी देगा तुझे। हाँ यार, तेरे पास पैसे आए कहाँ से? अरे मेरे बैग से 4000 रुपए निकले, शायद मम्मी ने रखे होंगे, उन्हें पता है सामने से दूंगी तो ये लेगा नहीं। क्यों? इसे खुददारी कहते हैं। और जो पैसे हमसे लिए उसे उधारी कहते हैं। हमारे भी दे, सबका हिसाब कर दूंगा। पैसे वाला बंदा देखा नहीं कि आ गए हिसाब याद दिलाने। और इतनी इंक्वायरी क्या कर रहे हो बे? अपना बताओ, तुम दोनों का यहाँ क्या चल रहा था? मुझे एक दोस्त से नकली नोट मिले थे, इसने कहा कि मैं नकली नोट चला सकता हूँ, वही चलाने बाहर गया था। इसका आइडिया था कि भीड़ वाली जगह पे जाइयो, वहाँ कोई इतने ध्यान से नहीं देखता। फिर जिसे मैं भीड़ समझ रहा था वो तो सारा अपना उधार लेने के लिए खड़े हुए थे वहाँ। मैंने 500 रुपए का नोट दिया, पहले उसने चेक किया, फिर उन लोगों ने, उसके बाद उन लोगों ने पूछा, फिर उस दुकान वाले ने। तो बोल देता कि मुझे क्या पता था ये नकली नोट है? बोला था, उसके बाद फिर से पूछा, कहते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। तो तू पढ़ लेता पहले? पढ़ा था, मुझे लगा सीबीआई बैंक होता होगा, ATM तो देखा था एक बार, तो मुझे लगा ने क्या पता बच्चों के लिए कोई बैंक खोल दिया हो। नोट भी दिखने में सेम सेम था। भीड़ का कोई मतलब नहीं बनता था कूटने का, है ना? JCB की खुदाई देखने के लिए जब 50 बंदे ऑफिस के लिए लेट हो सकते हैं तो इंडिया में भीड़ कुछ भी कर सकती है। हाँ यार, ये तो मैंने भी देखा है, JCB क्या स्पीड से गड्ढा खोदती है। उसके बाद क्या हुआ ये बताना। अबे छोड़ना यार, बताना। कितना सही दिन है आज का, मेरी कमाई, तेरी सुताई और तेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, क्या पता रात तक हो जाए। उसके बाद नोट लेके एक शॉप पे गया, वहाँ लाइट हुई थी, सोचा अंधेरा है बुड्ढे को क्या ही पता चलेगा, पर जैसे ही नोट दिया लाइट आ गई। हाँ बुड्ढे आदमी ने क्या ही किया होगा। सही कहा, उस बंदे ने हाथ तक नहीं लगाया। देखा, कहा था मैंने, सीधा छाती पे लात मारी बैठे बैठे, अभी भी डर हो रहा है। पर यार है तो गलत कहानी, और इलीगल भी, पुलिस जब पीटती है तो बहुत जगह दर्द होता है। हाँ यार, यही सोच के मैंने इसे वो सारे नोट ठिकाने लगाने के लिए दे दिए। लगा दिए ना? हाँ हाँ। जला दिए या फाड़ दिए? यार वो बात ऐसी है कि मैं जल्दी में था तो 4000 तो उसके बैग में डाल दिए, सोचा कि पहले जला दूंगा। ओह नो भाई, मैं मोहल्ला छोड़ के जा रहा हूँ इस कमीने के चक्कर में, पहले वो मुझे कूटेगा उसके पैसे भी डबल लेगा, क्या पता बाहर मुझे ही ढूंढ रहा हो। तो भाई नोट तो चेक कर सकता था? घर में घुसा तो मम्मी स्माइल ले रही थी, रूम में घुसा तो अंधेरा था, एक्साइटमेंट में सारे नोट लिफाफे में डाले और दिया है मुन्ना को। मुझे लग नहीं रहा था ये दिन इतना अच्छा कैसे जा रहा है। और बाकी के पैसे? 5000 तो तेरे यहाँ से जाते टाइम पे ही गिर गए। अरे सुट्टन बेटा, मुझे पता था तू हमारी एक दिन परेशानी जरूर कम करेगा। कमरे के बाहर 5000 रुपए रखे, क्या सरप्राइज दिया तूने अपनी माँ को। ओह नो। पापा वो PCR? हाँ हाँ, ये भी एक दिन अपनी माँ को सरप्राइज देगा। आपने ठीक से देखा था नोटों को अंकल? क्या मतलब ठीक से देखा था, इतने गरीब हैं हम, पता है कितनी खुश थी वो, बोलकर गई है कि मार्केट जाके सारे उधारी वाले खाते बंद करा के आऊंगी और 2 किलो पनीर लेकर आऊंगी और शुट्टन के लिए एक नई शर्ट लाऊंगी। पापा वो नोट नकली थे, PCR की जेब से गिर गए थे। क्या? अगर वो बेइज्जत होकर गुस्से में घर आई और उसकी वजह से घर का सारा काम मुझे करना पड़ा तो तुम तीनों की खैर नहीं। अरे अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है, इसने आधे नोट मेरे बैग में डाल दिए थे और वो नोट ले जाके मैंने मुन्ना मिश्रा को दे दिए। वो तो नीचे खड़ा है, तभी कह रहा था आज बात नहीं लात चलेगी, एक बार बाहर आने दो उसे। मैं पिटने से पहले इसको तो कूट ही सकता हूँ।